अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ में मैं हूं आपकी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर सबानी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं रोटी कवर। ठीक है, इस तरीके का मेरा ये रोटी कवर बनकर तैयार होगा। इसकी मैं आपको सारी मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं। 12.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और विथ भी मैंने 12.5 इंच रखी है। 12.5 इंच चौड़ाई और 12.5 इंच लंबाई। ठीक है, 2 पीसेस लिए हैं मैंने। और इधर ये 7.5 इंच लेंथ और 7.5 इंच विथ। ठीक है, लेंथ और विथ सेम रखी है, 7.5 इंच। इस तरह के मैंने 8 पीसेस लिए हैं। ये देखें, पुलिस्टर लिया है मैंने, फ़ोम का इस्तेमाल नहीं किया। फ़ोम वाला मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये पुलिस्टर मैंने लिया है, इसके अंदर रखा है। इसको प्रेस करके हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, पिन अप करके इसको हर तरफ से कवर कर लूँगी मैं पिनों के साथ। इस तरीके से ऐसे छोटे पीसेस को भी मैं इसी तरह से तैयार करूंगी। ठीक है, ये देखें, अब उतना ही पुलिस्टर मैंने छोटे वाले पीसेस में लगाने के लिए रखा है। इसके ऊपर वाला लगाऊंगी कपड़ा और इसे भी पिनअप कर दूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी के इसके पीसेस भी पिनअप करूंगी। ये देखें, अब इसे मैं प्रेस करके थोड़ा दबा लूंगी। ये 8 पीसेस हैं तैयार होके, ये 4 रह जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अब मैं प्रेस करके ले आई हूँ इसको और प्रेस करके ये बैठ भी गए हैं। थोड़ा सा पुलिस्टर जो है वो अपनी सही शक्ल में, दबी हुई शक्ल में आ गया है। अब मैं यहाँ पर बॉक्सेस जो है ना वो बनाऊंगी इसके मशीन के साथ। ये देखें, बनाना शुरू कर दिया है मैंने। इसी तरीके से पूरे के ऊपर मैं लगा लूँगी सिलाई और सिलाई के साथ बॉक्सेस से बना लूँगी मैं। इस तरीके से मैं सिलाई की मदद से बराबर करती जाऊंगी इसे। ये जो एक्स्ट्रा पुलिस्टर बाहर की तरफ आया हुआ है इसे हमें काट के बाद में बराबर कर लेंगे। देखिए, लेंथ में मैंने लगा ली हूँ ये। अब मैं इसके बॉक्सेस से बना लूँ। ये जो एक्स्ट्रा पुलिस्टर है इसे मैं काट के बराबर कर लिया है, देखें। और हर तरफ से सिलाइयाँ भी लगा के इसे मैंने इक्वल कर लिया है। पुलिस्टर लगाने से ये फ़ायदा होगा, ये रोटी को गर्म रखेगा, इसको जल्दी ठंडा नहीं होने देगा। ये देखें, अब इसको गोलाई की शेप दे लूँगी और इसी शेप को मैं ऊपर रख के बाकी के पीसेस भी सेम साइज़ के काट लूँगी। ठीक है, ये देखें, 4 पीसेस मैंने कट कर लिए। अब ये मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से ऊपर रख के मैंने इसको लगाना है, लेकिन पहले मैं इसको मगजी लगा लूँगी, जो मैं उरेप मगजी काट चुकी हूँ ना पहले, वो वाली मैं लगाऊँगी गलाई वाले हिस्से पे। देखें, फिर मैं इसको ऐसे पिनअप कर दूँगी। ये जस्ट मैं आपको फ़िलहाल बता रही हूँ।
ये देखिए ऐसे पकड़ के इधर से मैं ऐसे सिलाई लगाऊंगी तो ये बड़ी अच्छी शक्ल बन जाएगी। ये देखिए मगजी मैंने लगाना शुरू कर दिए। मगजी के लिए कपड़ा मैंने 2 इंच लिया था डबल, ये डबल लगाना मैंने शुरू किया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं 4 पीसेस जो हैं वो तैयार करूंगी। ये देखें इस तरह मैं पिनअप करूंगी इसको। अब ये मैं हर तरफ से सिलाई कर लूँगी इसको। देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। इधर से किनारा पकड़ के मैं ऐसे सिलाई लगा दूँगी। ये देखें सीधे वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगानी है। जो प्लीस्टर वाला रफ़ वाला हिस्सा है वो मैंने अंदर वाली साइड पे रखा है और मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ट्राइंगल की शक्ल में सिलाई लगानी है मैंने। ऐसे ही चारों साइडें जो हैं वो मैं सिलाई कर लूँगी ट्राइंगल बना के। ऐसे 4 जो साइडें हैं वो मैं कर लूँगी। ये देखें इस तरीके का हो गया। अब ये इस किनारों के ऊपर मैं मगजी पाइपिंग लगा दूंगी। चारों साइडें मैं इसी तरीके से कवर करूंगी। देखें चारों साइडों पे मैं लगाती जा रही हूँ।
तरीके से सारी मैं पाइपिंग लगा लूँगी, इसको टर्न कर लूँगी। याद रहे कि इसके लिए हम लोग नीडल जो है वो हम लोगों ने यूज़ करनी है 18 नंबर, 16 नंबर नहीं लेनी, क्योंकि ज़रा ये मोटा हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए 18 नंबर जो है उस सुई इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन के हमारा रोटी कवर जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और ख़ुद भी घर में बनाएँ, और बना के मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।